कहानी अप्रैल 2095 में शुरू होती है, जहां मैजिक को एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के रूप में सोसाइटी में इंटीग्रेट किया गया है। टत्सुया और मियुकी शिबा, जो अब करीबी भाई बहन हैं और प्रेस्टिजियस नेशनल मैजिक यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड फर्स्ट हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो हमेशा से इतने अच्छे संबंधों में नहीं थे। ओकिनावा में 3 साल पहले उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। टत्सुया, जिसे एक अनऑर्थोडॉक्स और लिमिटेड मैजिक एबिलिटी वाला इरेग्युलर माना जाता था, जिसे मियुकी द्वारा भाई की तुलना में एक नौकर की तरह ज्यादा ट्रीट किया जाता था, एक ऐसी लड़की जिसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट का आशीर्वाद था, उनका रिश्ता इमोशनली कम था और उनमें जेन्युइन कनेक्शन की कमी थी। ओकिनावा इंसिडेंट के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक प्रैक्टिकल मैजिक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पार्ट लेने के दौरान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक पैरासाइट का यूज करके हमला करता है, एक हथियार जो मैजिक में हेरफेर करता है और उसे बढ़ाता है। सिचुएशन तेजी से बढ़ती है, जिससे स्टूडेंट्स और सिविलियंस खतरे में फंस जाते हैं। अपनी इरेगुलरिटी के कारण कम समझे जाने के बावजूद टत्सुया एक अनलाइकली हीरो के रूप में सामने आता है। अपने अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच और एडवांस्ड टेक्निकल नॉलेज को यूज करते हुए वह अकेले ही पैरासाइट को नष्ट कर देता है और खतरे को बेअसर कर देता है। टैलेंट और पावर का यह प्रदर्शन न केवल अनगिनत लोगों की जान बचाता है, बल्कि मियुकी के साथ साथ मौजूद सभी लोगों को भी चौंका देता है। यह इंसिडेंट भाई बहन के रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। टत्सुया की बहादुरी और कैपेबिलिटीज को देखकर मियुकी को अपने भाई के बारे में अपने परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह उसे न केवल एक इन्फीरियर के रूप में, बल्कि यूनिक स्ट्रेंथ्स वाले एक पावरफुल इंसान के रूप में देखना शुरू कर देती है। ओकिनावा में मिला एक्सपीरियंस टत्सुया और मियुकी के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समझ की भावना को बढ़ावा देता है। उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, साथ ही अपनी पिछली गलतफहमियों को दूर करते हैं और प्रेजेंट में उनके बीच एक क्लोज बॉन्ड बन जाता है। फिल्म शिबा फैमिली के इतिहास में भी गहराई से उतरती है, टत्सुया की इरेग्युलरिटी के रीजंस को रिवील करती है और प्रेस्टिजियस योत्सुबा क्लैन के कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल्स का हिंट देती है, जिससे वे बिलोंग करता है। रेमिनिसेंस आर्क केवल एक एक्शन से भरपूर एडवेंचर से कहीं ज्यादा है। यह फैमिली डायनेमिक्स और पर्सनल ग्रोथ का एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन है। पास्ट में उतरकर फिल्म उन कॉम्प्लेक्स इमोशंस और इवेंट्स पर भी फोकस करता है, जिन्होंने टत्सुया और मियुकी को मेन सीरीज में वो इंसान बना दिया जो वे अब बने हुए हैं। फिल्म का एंड भाई बहनों के मैजिक हाई स्कूल में अपने फर्स्ट ईयर में एंटर करने के साथ होता है, जो एक साथ होते हैं और आगे आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। रेमिनिसेंस आर्क, इमोशनल जर्नी और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ मेन सीरीज में एक शानदार एक्सपीरियंस देता है।